आज उज्जैन महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारा एक ही एक लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार बाबा जी योगी जी की सरकार बने। आज हम देख रहे हैं कि दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं, हमारे घर का ही है। और योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, कुछ हमारे लोग, कुछ सेकुलर लोग और गौ मांस खाने वाले कुछ हरामी लोगों का एक षड्यंत्र चल रहा है कि योगी जी फिर से मुख्यमंत्री ना बने। तो आज महाकाल जी के दर्शन अभिषेक करें कि योगी जी को आशीर्वाद दें और फिर से एक बार योगी जी मुख्यमंत्री बने। और यहाँ से बगलामुखी माता जी के पास भी हवन पूजा प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया है। वहाँ पर भी हमारी भगवान से एक ही एक प्रार्थना रहेगी कि फिर से एक बार योगी जी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि योगी जी केवल एक मुख्यमंत्री नहीं, हिंदुओं की एक आशा है। आज भारत में हिंदुत्व सुरक्षित है तो एक मानो में मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी हम कह सकते हैं। और इन्हीं के करकमलों द्वारा आने वाले समय में भारत फिर से एक बार अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि एक ज़माना पहले हमारा भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र था, लेकिन मुगल आए, अत्याचार करे, सब कुछ करे, तोड़ दिया हमारे भारत देश को, पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन आज इन तीन महारथियों द्वारा ही फिर से एक बार भारत देश हमारा हिंदू राज बनेगा और योगी जी फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं द्वारा एक पूजा अर्चना का कार्यक्रम लगाया गया। कर्नाटक सरकार ने बुरखे को लेकर जो बयान दिया, देखिए सरकार अगर कोई डिसीजन लेती है कि हिजाब बैन, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको हिजाब पहनना है, बुरका पहनना है, तो आप बाहर पहनिए, लेकिन स्कूल की, कॉलेज की एक मर्यादा होती है, एक यूनिफॉर्म होता है, वो पहनकर आप स्कूल जाने की आवश्यकता है, वो पहनकर आप कॉलेज को जाने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें जो आप लोग राजनीति कर रहे हो, इसमें लाश आपका ही होगा। अगर आपको इतना ही हिजाब का, बुरके का शौक है, तो जाइए मदरसाओं में, सेपरेटली तुम्हारे कॉलेजेस बनवा लीजिए, सेपरेट तुम्हारे स्कूल्स बनवा लीजिए, वहाँ पे तुम्हें कोई रोक टोक नहीं रहेगा। और तुम लोग कहते हो कि हमारे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये बने, वो बने, तो अगर हिजाब और बुरके के चक्कर में जाओगे तो कुछ नहीं बनोगे, भिखारी हो, भिखारी ही बनोगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।